Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. Today, we are going to learn about Rain Man concept and some problems based on the same. So, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ terminology. What is mean by velocity of rain? Velocity of rain. जब कभी भी हम ये टर्म यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, इट मींस वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ रेन रिप्रेजेंट करेगा वी आर, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. जैसे कि आप जीआईएफ में देख सकते हैं रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहा है. सो ऐसे केस में इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस वाई जे. माइनस जे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. सो बट अगर ऑब्लिकली रेनफॉल हो रहा है सो ऐसे केस में जैसे कि आप जीआईएफ में देख सकते हैं ऑब्लिकली कुछ इस डायरेक्शन में रेनफॉल हो रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. सो इसे हम लिख सकते हैं टू कंपोनेंट में स्प्लिट करके, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड डाउनवर्ड इज y कंपोनेंट. क्योंकि हमने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ली है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर माइनस आ जाएगा एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के लिए माइनस j. सो ऐसे केस में हम वेलोसिटी ऑफ रेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस एक्स आई माइनस वाई जे से. बट इन केस रेनफॉल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है सो यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन है एंड दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन. सो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन होगा एक्स आई माइनस वाई जे. सो ये होगा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन. सपोज यहां पे कोई एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन, इसे हम लिख सकते हैं एक्स एम आई, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. समटाइम्स आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द एंगल, कि जिस एंगल पे रेनफॉल हो रहा है या जिस एंगल पे पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करनी पड़ रही है सो वो एंगल विथ वर्टिकल हमें फाइंड आउट करना है. जैसे कि आप यहाँ पे ज्योमेट्री से समझ सकते हैं कि जिस एंगल पे रेनफॉल होगा उसी एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करनी पड़ेगी. सो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा मैन को स्टेशनरी बनाएंगे, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है. जब कभी भी एंगल पूछा जाता है और अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है सो एंगल के लिए जब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का. जैसे कि हमने पहले के लेक्चर में भी देखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टैंडर्ड केस इज एक्स आई माइनस वाई जे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज एक्स एम आई. सो एक्स आई माइनस एक्स एम आई दोनों में से अगर हमने आई कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? एक्स माइनस एक्स एम माइनस वाई जे. सो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अब हमें देखना है फॉर्मूला फॉर एंगल. सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर अब हमें मिल गया है, हमने मैन को कर दिया स्टेशनरी. सो दिस इज एक्स माइनस एक्स एम आई एंड दिस इज वाई जे. सो अब एंगल हमें फाइंड आउट करना है थीटा. सो ये एक्स माइनस एक्स एम है सो ये भी x माइनस एक्स एम ही होगा. सो यहां पर हम tan थीटा अगर अप्लाई करें तो tan थीटा हो जाएगा ऑपोजिट मींस x माइनस एक्स एम अपॉन एडजेसेंट विच इज y. ये फॉर्मूला रहेगा टू फाइंड आउट एंगल. एक क्वेश्चन हम समझते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली फॉल हो रहा है विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन इज
माइनस 80 जे। हाउ शुड यू होल्ड योर अम्ब्रेला, क्योंकि ये इस कंडीशन में दिया नहीं है कि पर्सन वॉक कर रहा है या हम वॉक कर रहे हैं, जस्ट हम फिर कंसिडर करेंगे पर्सन इज स्टैंडिंग। सो हाउ शुड यू होल्ड योर अम्ब्रेला, आंसर शुड बी वर्टिकली। सो अम्ब्रेला वर्टिकली होल्ड की जा रही है, इट मीन्स वर्टिकल के साथ इसने एंगल क्या बनाया है, एंगल है वर्टिकल के साथ 0 डिग्री। वन मोर क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट विथ वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पे डायरेक्शन दी हुई है, पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहां पे क्या कहा गया है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड यू आर वॉकिंग, पर्सन इज वॉकिंग 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। सो पर्सन टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है और हमें बताना है हाउ शुड यू होल्ड अम्ब्रेला। सो एंगल हमें स्पेसिफाई करना है, जैसे कि हमने देखा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। सो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इज माइनस 80 जे एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज 60 i। सो व्हाट शुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा माइनस 60 i माइनस 80 जे, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। सो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस 60 i मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, माइनस 80 जे मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ये होगा, सो रिजल्टेंट इसका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज 60 एंड दिस इज 80। सो एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दिस इज 60 तो ये भी 60 ही होगा। तो यहां पे अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड की जा रही है, सो वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला का एंगल हमें फाइंड आउट करना है थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ये थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा फॉर्म हो रहा है। सो थीटा फॉर्म करने के लिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा, दिस इज 60 तो ये भी 60 होगा। टेन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो इट इज 3/4। टेन थीटा 3/4 आ रहा है, सो दिस इज 3, दिस इज 4। सो एंगल क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 37 डिग्री। आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रखना होगा 3, 4, 5 का। सो दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री। सो एंगल क्या होना चाहिए अम्ब्रेला का, 37 डिग्री क्लॉकवाइज, 37 डिग्री क्लॉकवाइज। सो हाउ शुड यू होल्ड अम्ब्रेला, 37 डिग्री क्लॉकवाइज, और यू कैन से इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये होगा इसका आंसर। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर एंड यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ शुड यू होल्ड योर अम्ब्रेला। जैसे कि यहाँ पे अगेन फिर से दिया हुआ है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इट इज फॉलिंग वर्टिकली। फॉलिंग वर्टिकली मीन्स माइनस 80 जे इन वेक्टर। यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। वेलोसिटी ऑफ मैन इट इज 60, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा माइनस 60 i। देन हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विच इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन इज माइनस 80 जे, वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस 60 i, सो इट इज 60 i माइनस 80 जे। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, 60 i पॉजिटिव एंड 80 जे। सो रेनफॉल कुछ इस डायरेक्शन में फील होगा, दिस इज 80, दिस इज 60,
अगर हम इसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये 3 4 5 का, सो एंगल आ जाएगा अगेन 37 डिग्री ओनली, बट दिस टाइम अम्ब्रेला जो होल्ड करनी पड़ेगी वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे बट एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर होगा इस केस में 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज विद द वर्टिकल। देन नेक्स्ट, रेन इज फॉलिंग विद द वर्टिकल। नेक्स्ट है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर। यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का केस आ गया है, सो हम अगेन कंसिडर करेंगे यहाँ पे जेड एक्सिस। तो नॉर्थ को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड साउथ को कंसिडर करेंगे नेगेटिव जेड एक्सिस। लेकिन जेड और वाई के टर्म में लिखने से अच्छा, क्योंकि हमें टू डायमेंशनल ही कंसिडर करना है, तो हम नॉर्थ और वेस्ट के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस ही कंसिडर करेंगे। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ होमवर्क, बट फिर भी आपको एक कंडीशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेन इज फॉलिंग 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो विथ अ स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन इज -80 J एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज 60 I। आगे आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द साउथ विथ वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये क्वेश्चन भी होमवर्क। देन लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट, मैन इज वॉकिंग ड्यू वेस्ट, वेस्ट की ओर, ईस्ट एंड वेस्ट, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन वॉक कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, सो इन वेक्टर इट इज -3 I एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज -4 J। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सॉरी, रेन अपियर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी When man is walking, rain appears to be falling. It means this is velocity of rain with respect to man, and we have to find out velocity of rain with respect to ground. Simple formula hai, velocity of rain with respect to man is given by velocity of rain minus velocity of man. So velocity of rain kya ho jayega? It is velocity of rain with respect to man plus velocity of man. Velocity of rain with respect to man is -4 J प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज -3 I। सो ये होगा इन वेक्टर, और अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सो अंडर रूट -4 square प्लस -3 square विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे कुछ और प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।